हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो वेलकम करता हूँ पीआरजी गेमर की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, लेके आ चुका हूँ फ्री फायर की न्यू अपडेट और इवेंट। जैसा कि आपको पता है कि न्यू पैट आने वाली है, ड्रिकी पैट नहीं, ड्रिकी पैट को हम एक साइड पर रखते हैं। तो बात करेंगे एलियन पैट की और बात करेंगे न्यू करेक्टर की, जो कि हमारा लाइट वर्जन होने वाला है, और काफ़ी सारी अपडेट को हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें पीआरजी गेमर को, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहली अपडेट की, तो फर्स्ट अपडेट है ट्रक इवेंट की। तो काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि ट्रक इवेंट कहाँ है। तो गाइस, आपको पता है कि होली चल रही थी, जिसके देखते हुए फ्री फायर ने जो हमारा ट्रक इवेंट है उसको एक तरफ साइड पर कर दिया, बाकी सब सर्वर पर दिया गया, लेकिन हमारे सर्वर पर यहाँ पर ट्रक इवेंट नहीं दिया गया। लेकिन हो सकता है कि अब हमें देखने को मिल जाए ट्रक इवेंट। तो इसके अंदर होगा क्या कि इतने ज्यादा बड़े रिवार्ड नहीं है, छोटे मोटे रिवार्ड है, बाकी इसमें आपको वेब इवेंट में देखने को मिल जाएगा काफी सारी चीजें। हाँ, लेकिन एक इवेंट का मजा होता है, वो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं कि आपने मिशन कंप्लीट करने, और इससे आपको देखने को मिल जाएगा एक जो हमारा फीमेल का जोकर वाला बंडल है वो वाला। लेकिन यहाँ पर ब्लैक और आईज जो है थोड़ी रेड रेड है, तो हो सकता है कि थोड़ा ये मॉडिफाइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है क्योंकि ब्लैक कलर का चल रहा है। बाकी सिंपल से मिशन है, लॉग इन करो, गेम प्ले करो, उसके बदले में आपको ये रिवार्ड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिवार्ड में आप देख सकते हैं कि एक हमारे जो गन की स्किन दी जा रही है, जो कि एसकेएस की फ्लेमिंग स्कल जिसका नाम है, बाकी एक डेथ बॉक्स है। लेकिन और एक और बात बता दूँ कि हर सर्वर पर इसके रिवार्ड चेंज है, तो जब हमारे पास आएगा तो हो सकता है कि कोई अच्छे रिवार्ड भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो बात करते हैं न्यू हैकर स्टोर के बारे में। तो हैकर स्टोर को काफ़ी टाइम हो चुका है कि फ्री फायर ने कोई हैकर स्टोर नहीं दिया, लेकिन अब लीक्स निकल के आ रही है हैकर स्टोर की, जिसमें हमें देखने को मिल सकते हैं बंडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें आपको 6 बंडल देखने को मिलेंगे, तो नीचे वाले फीमेल के, ऊपर मेल के। तो जो थर्ड नंबर का है ना, वो बहुत ही ओपी है, डेवल हंटर जिसका नाम है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड भी अच्छे हैं, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप ले सकेंगे, लेकिन जो तीसरे नंबर वाला है वो सबसे ज़्यादा ओपी है। तो इसमें आपको जो फर्स्ट में बंडल और सेकंड में आपको मिलेगा एक इमोट, कुछ कटाना। तो ये बात यानी कि अभी इस टाइम भूल जानी चाहिए कि पुरानी चीज़ें नहीं आ सकती, अब फ्री फायर ऑल इनकोबेटर सब कुछ वापस देती रह रही है, क्योंकि भाई आपको पता है कि बिजनेस है, तो फ्री फायर ने बिजनेस करना है, तो ओल्ड चीज़ें वापस आएंगी, तो मैक्सिमम जो होंगे ऑडियंस परचेस करेगी कि यार ओल्ड चीज़ें वापसी आ रही है तो हमें परचेज करना चाहिए। तो यही एक स्ट्रेटजी होती है, जो ओल्ड चीज़ें वापसी आती रहती हैं, तो इस बात की टेंशन नहीं लेना कि जो चीज़ चले गई है, तो वो सारी आती रहेंगी। तो ऐसा इवेंट भी आ सकता है जिसमें हमें इलाइट पास दोबारा से देखने को मिल जाए, जैसे कि हिप हॉप हो गया, कुछ और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एक इवेंट आ भी चुका है, यानी कि फ्री फायर में एक दफ़ा हुआ था कि आई थिंक 2000 डायमंड का एक स्पिन था जिसमें आपको देखने को मिल सकता है इलाइट पास, वो लक के ऊपर था कि कोई भी इलाइट पास आपका निकल सकता है। लेकिन उस टाइम हमने सोचा कि भाई इतना महंगा स्पिन क्यों करें हम, क्यों करें, लेकिन अब सोचते हैं कि कर लेना चाहिए था। तो उस टाइप के इवेंट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि 35 सीजन गुजर चुके हैं, तो 35 के मेल और फीमेल का अगर आप डबल करें तो 70 बंडल बनते हैं। तो भाई 70 बंडल अगर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लक, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लक होगा ना वो कुछ लकी होगा जिसको फर्स्ट एंड सेकेंड मिलेगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। चल छोड़े, जब आएगा तो बात करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यार वो है हमारा टॉप अप रिवार्ड। तो गाइस, टॉप अप रिवार्ड में हमें देखने को मिल सकते हैं विंग्स, जो कि वाइट कलर के हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टॉप अप रिवार्ड पे डबल डायमंड ऑफर भी आ सकती है। तो डबल डायमंड हो गया, ड्रिकी पैट हो गया, और ये वाली। तो यहाँ पे आपको विंग्स देखने को मिल सकते हैं वाइट वाले, तो ब्लैक वाले भी हैं, लेकिन ब्लैक से मेरे को वाइट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो वाइट काफ़ी ओपी है, लेकिन इसको यूज़ करने का यार फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं, किसी टावर पर छुप जाते हैं, तो एनिमी आपको ईजिली देख लेगा कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ सर्वाइव कर रहा है, तो इसलिए बस फ्री में अगर टॉप अप रिवार्ड में मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वैसे अगर हम परचेज करेंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यार वो है हमारा जो करेक्टर, तो करेक्टर क्या देख सकते हैं कि ऑफिशियल पिक्चर आ चुकी है, तो ये हमारा करेक्टर होने वाला है, जो कि लाइट करेक्टर होने वाला है एंट्रियो का। तो गाइस, इसकी जो एबिलिटी की लीक्स निकल के आ रही है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ लीक्स। जैसे एंट्रियो जो वेस्ट और हेलमेट यानी कि जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो इसके अंदर भी वही सेम टू सेम होने वाली है, लेकिन प्लस में क्या होगा कि जब ये फायर करेगा तो थोड़ी बहुत इसमें आर्मर पेनिट्रेशन फ्री फायर किया है, मतलब कि जो अगर आपको ऐसा है कि मतलब कि किसी ने आपको फायर किया, क्या अगर आपने अपोजिट फायर किया तो आपका जो आर्मर पेनिट्रेशन की जो पावर होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसकी जो वेस्ट और हेलमेट जल्दी डिस्ट्रॉय होगी, आपकी कम होगी, क्योंकि आपके पास है एंड्रियो का लाइट वर्जन, एंड्रियो का फादर भी बोले तो चलेगा। तो फिलहाल अभी तक तो ये लिक्स निकल के आ रही है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर इस तरह की एबिलिटी होती है तो अच्छी है, क्योंकि हमारी वेस्ट और हेलमेट जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन एनिमी की जल्दी होगी,
तो ये काफी ओपी हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो वही है 3 सीरीज या फिर 3 सीरीज, तो जिसके अंदर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान 3 कंट्रीज होने वाली है फाइट फॉर द प्राइड। तो इसमें यार ये सिंपल सा एक इवेंट होगा, यानी कि टूर्नामेंट टाइप होगा जैसे पहले भी हो चुके हैं, जिसमें फ्री फायर के ई स्पोर्ट टूर्नामेंट होंगे जिसमें 3 रीजन होंगे, जैसे मैंने आपको बताया बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसमें जो भी विनर होगा रीजन वाइज, जैसे कि बांग्लादेश की टीम होगी, फिर इंडिया की, फिर पाकिस्तान की, तो जो टॉप टीम्स होंगी वो फिर फाइनल में आएंगी, तो वहाँ पर इनका आपस में कॉम्पिटिशन होगा। तो जो भी कंट्री जीतेगी तो प्राइज पूल डायमंड भी होते हैं, क्योंकि लास्ट में भी आई थिंक 1 लाख डायमंड तक मिल रहे थे, तो इस टाइम भी यह क्या होगा कि डायमंड भी होंगे प्लस में प्राइज भी होगा, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितना भी हो सकता है, तो नो आइडिया। लेकिन अभी तक एक बैनर निकल के आया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इस पर आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे, आपको सिंपल एक फॉर्म फिल करना होगा, तो जैसे आएगा तो उसमें आप कर सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं इससे अगली अपडेट के बारे में, तो यार वो है एलियन पैट। तो क्या है कि एलियन पैट की बहुत ज़्यादा अपडेट चल रही थी कि एलियन पैट, तो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर आ रही, लेकिन अभी फ्री फायर से एक ऑफिशियल पिक्चर आई है ये वाली। तो ये कुछ इस टाइप का पैट होने वाला है जिसका नाम होने वाला है, देख सकते हैं कि एलियन, तो काफ़ी ओपी है दिखने में भाई, बहुत ही कमाल का जो है, जो ड्रिकी पैट है वो भी कमाल का है, तो उसकी एबिलिटी भी अच्छी है। तो यार बात कर लें इसकी, तो गाइस ये आपको एक किस्म की प्रोटेक्शन देगा, जो लीक्स आ रही है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन कुछ इस टाइप की, जब एनिमी जैसे कि एंट्रियो का मैंने आपको बताया तो वैसे ही ये, अगर आपको कोई फायर करता है तो ये एक शील्ड आपके लिए बनाएगा, उसके शील्ड या शो होगी या नहीं होगी इसका नॉट कंफर्म, तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सिंपल ये है कि आपको डैमेज कम पड़ेगा। तो ये कितने सेकंड होगा, तो 5 सेकंड भी हो सकता है, 6 भी 4 भी, तो कोई कंफर्म नहीं है। और इसका कूल डाउन यानी कि कूल होने का टाइम भी है कि कूल डाउन टाइम फ्री फायर रखती है कि नहीं, तो इसका भी अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि फ्री फायर थोड़ी थोड़ी लीक्स देती जा रही है, कुछ ही दिनों में यानी कि 1 या 2 दिन में एडवांस सर्वर मिल जाएगा, तो उसी के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये पैट किस तरह वर्क करती है। दोस्तों बात करते हैं इनक्यूबेटर की, तो वैसे आपको इनक्यूबेटर देखने को मिल सकता है दोबारा से ये वाला, तो मुझे लगता तो नहीं है कि हमें आएगा ये, क्योंकि लास्ट टाइम ये इनक्यूबेटर आ चुका है, लेकिन बता दूं कि जिन सर्वर में हमारे सर्वर से पहले होकर गुजर चुका है वहाँ फिर से आ गया है, तो उसको देखते हुए ये लगा कि भाई हमारा नंबर फिर से आने वाला है। फ्री फायर कुछ ज़्यादा ही इस बंडल को दे रही है, तो आपको ये बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा ये वाला इनक्यूबेटर। इसका 1st, 2nd, 3rd तीनों बंडल काफ़ी कमाल के, अगर आप परचेजिंग करना चाहें तो। दोस्तों बात करते हैं एडवांस सर्वर की, तो फ्री फायर का जो एडवांस सर्वर है, पहले तो था कि जो जल्दी डाउनलोड करता था तो हमें मिल जाता था एडवांस सर्वर, लेकिन अब क्या दिक्कत आती है कि की की, तो उसमें की मांगी जाती है, तो सब यही बोलते हैं कि यार की कहाँ से मिलेगी, तो गाइस जो मुझे की मिलती है वो मुझे मिलती है सिर्फ एक की, तो जो मैं अपनी आईडी पे लगाता हूँ जो कि फ्री फायर की तरफ से मुझे मिलती है, तो जब मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ तो वो जो की होती है वो किसी काम की नहीं होती, तो अगर कोई भी इसको यूज़ करेगा तो वो कुछ भी काम में नहीं आने वाली। तो मतलब मैं अगर आपको मैं शेयर भी कर दूं कि यार मुझे ये वाली की मिली है, अगर वो मैंने अपनी आईडी में यूज़ की है तो आपका उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप उसको कुछ भी कर लो वो वर्क नहीं करेगी, तो इसलिए मैं आपको शेयर नहीं करता हूं कि यार वो मैं की आपको दूं और ना चले आप मुझे कहो कि यार नहीं चल रही है, सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। तो फ्री फायर ये बहुत जल्द कर लेगी कि ऑडियंस के लिए भी जो यानी कि जो रजिस्टर करेंगे एडवांस पे उनके लिए भी एक रखेगी, या इतने लोगों को देनी है, अगर हमने फ्री फायर रखा है कि 5000 ऑडियंस को देनी है, जो पार्टनर प्रोग्राम नहीं है, जो नॉर्मल ऑडियंस है फ्री फायर की प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए 5000, 10000 जितना भी फ्री फायर रखेगी, तो उनको क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन जिन उनकी होगी उनको ऑटो यानी कि ईमेल आएगा, या फिर उनको ऑटो जैसे ही वो एडवांस सर्वर को ओपन करेंगे तो वो उनको एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरह की अपडेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आप भी एडवांस सर्वर को एंजॉय कर सकेंगे। तो गाइस फिर यही वीडियो थी आज की, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।